हाय एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं बीएसएससी सीजीएल 3 के प्रैक्टिस सेट। आज ये पहला दिन है एंड इसमें हम लोग करेंगे स्कीम्स के बारे में जो कि इंडिया एंड बिहार लेवल पे है, फिर करेंगे कुछ मैथ के पोर्शंस और फिर करेंगे रीजनिंग के पोर्शंस। बीएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसमें तीन पोर्शन आने हैं, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, एंड जो तीसरा है वो है मानसिक क्षमता जाँच। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया की स्कीम के साथ। पहला है जन धन योजना, ये स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया, ये स्टार्ट हुआ 25 सितंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष, ये हुआ 25 दिसंबर 2014। ये तीन स्कीम है, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, मिशन इंद्रधनुष, ये 2014 के स्कीम है। देन आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को पानीपत से स्टार्ट हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये 19 जनवरी 2015 को सूरतगढ़ से स्टार्ट हुआ है। उज्ज्वला योजना, ये 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ है यूपी के बलिया से। सौभाग्य योजना, ये स्टार्ट हुआ 25 सितंबर 2017 से। आयुष्मान भारत योजना, ये हुआ 23 सितंबर 2018 से। पीएम किसान योजना, ये आया है 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से। उज्ज्वला योजना 2.0, 10 अगस्त 2021 को। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप, ये आंध्र प्रदेश की योजना है। ऑपरेशन परिवर्तन, ये आंध्र प्रदेश की योजना है। सारथी ऐप, ये सेवी शेयर मार्केट से रिलेटेड है। सेहत पहल, ये डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये 2022 से 2027 तक के लिए एक प्रोग्राम है। रैंप योजना, रैंप का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम। ये एक एमएसएमई प्रोग्राम है जो कि 6000 करोड़ जिसके लिए एलोकेट किया गया है। पीएम डिवाइन योजना, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड है और इसके लिए 1500 करोड़ एलोकेट किया गया है। मिशन अमानत, ये आरपीएफ से एसोसिएटेड है। पीएम गति शक्ति, इसके 7 इंजन हैं। ऑपरेशन आहट, ये आरपीएफ से रिलेटेड है। मिशन अमानत एंड ऑपरेशन आहट, ये दोनों किसका है, आरपीएफ से रिलेटेड है। पर्वतमाला योजना, ये रोपवे योजना है। मांझी वसुंधरा, ये महाराष्ट्र की योजना है। अम्मा एंड बहिनी, ये सिक्किम की योजना है। संभव एंड स्वावलंबन, ये एमएसएमई प्लास्टिक से रिलेटेड है। सामर्थ, ये भी एमएसएमई से रिलेटेड है। नान मुदलवान योजना, ये तमिलनाडु की योजना है। कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ की योजना है। मातृत्व उद्यमिता योजना, ये हरियाणा की योजना है। वुमेन एट द रेट वर्क और विनय समरस योजना, ये दोनों कर्नाटक की योजना है। युविका 2022 इसरो से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट आहरण, ये असम की योजना है स्किल डेवलपमेंट के लिए। जीवा प्रोग्राम, ये नाबार्ड से एसोसिएटेड है। बिहार के कुछ स्कीम्स देख लेते हैं रिसेंट के एंड जो भी इम्पोर्टेंट है वो है। ग्राम उज्ज्वला योजना एलईडी बल्ब से रिलेटेड है और ये आरा बिहार से स्टार्ट हुआ। सशक्त महिला सक्षम महिला, ये 900 करोड़ इसके लिए एलोकेट किया गया था। आत्मनिर्भर बिहार के तहत जो 7 निश्चय हैं उसमें से ये निश्चय है एक सशक्त महिला सक्षम महिला और इसके लिए 900 करोड़ एलोकेट किया गया है। एक और है, ये भी आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय में से एक है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और इसके लिए एलोकेट किया गया 1153 करोड़। और ये सबसे ज़्यादा एलोकेट किया गया है 1153 करोड़ युवा शक्ति और बिहार की प्रगति के लिए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये 4 लाख लोन दिया जाएगा जो लोग 12 पास कर चुके हैं उन्हें इसके तहत। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, 3
अगस्त 2018 को स्टार्ट हुआ। मुख्यमंत्री दिजन पेंशन योजना ये 14 जून 2019 को स्टार्ट हुआ। हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना 15 नवंबर 2016 को स्टार्ट हुआ। हर घर नल का जल निश्चय ये 27 अक्टूबर 2016 को स्टार्ट हुआ। कुशल युवा कार्यक्रम ये 2 अक्टूबर 2016 को स्टार्ट हुआ। चलिए कुछ अब एप्टीट्यूड मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टॉपिक जो मैंने आज लिख किया है वो है परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड चार क्वेश्चंस करने वाले हैं। व्हाट इज एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। 180 के 15% में 180 का 15% कितना होगा? 180 इसका 10% होगा 18, राइट? 15% इसे हम लिख सकते हैं 10% प्लस 5%। आप लोग एग्जाम में क्या करोगे, माइंड में करोगे, इस तरह से लिख के नहीं करना है। अभी मैं समझाने के लिए आपको करवा रही हूँ। तो 10% इसका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दिस इज 18 प्लस 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 9, क्या हो गया 27। तो 27 में कितना ऐड करेंगे, 15% ऑफ 180 में कितना ऐड करेंगे कि जो सम है वो इक्वल हो जाएगा 360 के 20% का। 360 का 20% कितना होगा, 10% है 36, 20% हो जाएगा 72। तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे तो 72 आ जाएगा। आप यदि 45 ऐड करोगे तो 72 आ जाएगा। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 45। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ सुगर इज रिड्यूस्ड बाई 20%। प्राइस पहले क्या था, 5, अब क्या हो गया 4। ये मैंने कैसे लिया, 20% है, राइट? 20% इस तरह से लिख सकते हैं। एंड इसे जब हम रेशियो में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। प्राइस में 20% का रिडक्शन है, पहले कितना था 5, उसमें 1 रिड्यूस कर दिए, कितना हो गया 4। तो ये ओरिजिनल है ना, और ये क्या है, न्यू है। तो पहले 5 था, अब रिड्यूस होके हो गया 4, ये है प्राइस। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा कितना, पहले 4 था तो अब 5। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36। यहाँ पे जो कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है ये 500 ग्राम हो रहा है, रेशियो में कितना है 1, यानी कि 1 इक्वल टू 500 ग्राम। तो ओरिजिनली कितना कंज्यूम हो रहा था, 4 रेशियो, यानी कि 5 × 20 2000 ग्राम, यानी कि 2 kg। तो 2 kg का रेट कितना था, 36। तो 1 kg का रेट कितना हो जाएगा, 18। एंड यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, पर केजी, तो इसका आंसर क्या हो गया, 18। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट, द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट इज। इसे हम पहले हिंदी में देख लेते हैं। जो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है ये है 3:2, ठीक है? तो लेट कर लेते हैं, ये बॉयज की संख्या 300 है, गर्ल्स की संख्या 200 है। अब क्या कह रहा है, 20% जो लड़के हैं और 25% जो लड़कियां हैं वो एडल्ट है। तो परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट, है ना, नॉट पोर्शन आ रहा है। तो यदि टोटल 100 है तो 20 माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगा, मतलब 80 एडल्ट नहीं है। तो बॉयज का 80%, ये बॉयज का सेक्शन है और ये गर्ल्स है, हमें इसमें से कितना लेना है, 80%। 10% हो गया 30, 80 हो जाएगा 240। सिमिलरली यहाँ पे 25% गर्ल्स एडल्ट हैं, यानी कि एडल्ट नहीं है 75%, 150।
अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट, ये पूरा जो पोर्शन ये एडल्ट नहीं है, थ्री नाइन्टी, एंड नीचे लेते हैं टोटल, टोटल कितना है 500 इंटू 100, कितना आ गया 78%। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 78। नेक्स्ट है, अ बास्केट कंटेन 300 मैंगोज, 75 मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम स्टूडेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज लिव इन द बास्केट। एक टोकरी है उसमें 300 आम है, ठीक है, 75 आम को, 75 आम को क्या कर दिया गया है, स्टूडेंट्स में बांट दिया गया है, तो अब लिफ्ट कितना रह गया, सेस कितना आम बास्केट में रह गया है। यदि 300 में से 75 चला जाए तो बचेगा 225, इसे निकालना है परसेंटेज में, तो 225 300 का कितना परसेंट है, ठीक है 75%, तो इसका आंसर हो गया 75। इसे आप लोग डायरेक्ट कर लोगे, कैसे कर लोगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे कितना आएगा 225, है ना, इसका 70% कितना हो जाएगा 210, बचा 15, 15 मीन्स टू से 30 का हाफ, और 30 का हाफ यानी कि 5%, तो 70% प्लस 5% कितना आ गया 75%। तो ये सब आपको माइंड में करना है, इस तरह से लिख के नहीं करना है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, फिर भी यदि नहीं हो रहा तो आप लिख के कर लो, इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन है भी नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 37, 259 एंड 17, इन दोनों के बीच क्या जो रिलेशन है वो इन दोनों के बीच रिलेशन बनना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। 37 एंड 259 में जो अंतर है वो काफी ज्यादा है, मीन्स टू से यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कोई मल्टीप्लाई कोऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, तो यदि 7 यूनिट डिजिट है यहाँ पे 9 यूनिट डिजिट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7, 7 2 14, इस तरह से करने पे 7 7 जा पे कुछ लग रहा है कि हो सकता है, तो ट्राई करते हैं। यदि 37 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जब 49, 4 और 7 3 21 एंड 4 25, ठीक है, तो ये आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कर देंगे, 37 इंटू 7 हमने किया तो 259 आया, तो 17 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा 119। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, VW QZ TUOX RS MV, इसकी पोजीशन है 22, W की पोजीशन कितनी है 23, है ना, Q 17 पे है, Z 26, T पे पोजीशन 20, U 21, O 15, X 24, 18, 19 है ये, M कितना है 13 है, और V कितना है 22 है, राइट। तो चलिए देखते हैं, 20 माइनस 2 किया, फिर इसने क्या किया यहाँ पे, ये 18 है तो यहाँ पे भी माइनस 2 हो रहा है, अब माइनस 2 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 होता है P, देन 23, 23 में माइनस 2 है 21, अगेन माइनस 2 किया 19, फिर से माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 17, तो ये Q हो जाएगा, Q 17 होता है, Q 17 है, यहाँ पे माइनस 2 किया 15, माइनस 2 किया 13, माइनस 2 करेंगे 11, 11 क्या होता है K, 26 माइनस 2 X आ गया, फिर माइनस 2 यहाँ पे हो गया, फिर माइनस 2 करेंगे तो 20, 20 क्या होता है T, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा PQKT। ये जो पोजीशन की वैल्यू है 22, 23, ये आप लोग याद कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, यदि आपको नहीं भी याद है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे V के पहले दो डिजिट, B के पहले दो डिजिट देखेंगे, लेटर देखेंगे तो क्या हो जाएगा T, फिर उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है W है तो W से पहले आएगा या बाद में आएगा, उस तरह से हम लोग देखे भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको पोजीशन लेटर्स की पोजीशन याद है
तो ये इजिली सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 11, 22, 44 एंड 77। यदि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 11 दुनी 22, 22 दुनी 44 एंड यहाँ पे, तो फिर ये नहीं आएगा। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 22, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 33, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 44। तो 7 चार 11, 7 चार 11 और 1 12, आंसर क्या हो गया 121। नेक्स्ट है, इन अ कोड लैंग्वेज ब्लॉक इज रिटन एज 3131 6412, हाउ विल सुप्रीम बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। चलिए देखते हैं, बी बी का जो पोजीशन होता है वो होता है 2, एल 12, ओ 15, सी 3 एंड के 11। अब देखते हैं इसे ये किस तरह से बना है, 2 है एंड यहाँ पे क्या है 3 एंड 1 है, 2 के बाद 3 आ सकता है ना यदि प्लस 1 करे तो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज शायद क्या हो गया, देखो 2 है यहाँ पे 1 प्लस किए तो 3 आ गया, इसी तरह से L क्या है 12 है, 12 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा पहले 3 देन 13, 15 है 15 के बाद 16, 16 आना चाहिए हाँ है, फिर 3, 3 के बाद 4 होना चाहिए ऑब्वियस ये बात है, 11, 11 के बाद 12 है। चलिए हमारा लॉजिक क्या था, सेटिस्फाई हो गया। अब इसी लॉजिक को हम इस पे लगा देते हैं, इस होता है 19, U 21, P 16, R 18, 5E 13, M 5E। चलिए अब क्या करेंगे, 19, 19 के बाद क्या हो 20, ये रहा 20, 21 के बाद 22, ये रहा 22, 16, 16 के प्लस 1 करेंगे 17 आएगा, देन 18, 18 में प्लस 1 करेंगे 19 आएगा, 5 में प्लस 1 करेंगे 6 आएगा, 13 में प्लस 1 करेंगे 14 आएगा, 5 में प्लस 1 करेंगे 6 आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, ए इज द वाइफ ऑफ एफ, ए इज द वाइफ ऑफ एफ, ए माइनस यहाँ पे फीमेल को डिनोट कर रहा है एंड प्लस यहाँ पे मेल को डिनोट कर रहा है एंड ये कॉमा क्या है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, डी इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की सिस्टर है कौन, डी, एंड ये जो लाइन है ये ब्रदर सिस्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सी इज द सिस्टर ऑफ जी, यहाँ पे जी भी नहीं है सी भी नहीं है, ठीक है, तो हम इस लाइन को अभी छोड़ते हैं। जी हु इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ है एफ की बेटी है कौन, जी, फीमेल को माइनस से, एंड जी की सिस्टर है सी, सी इज द सिस्टर ऑफ जी, इसकी सिस्टर है सी, ये वाला लाइन हो चुका है। बी इज द हस्बैंड ऑफ जी, बी यहाँ पे है, अच्छा जी है, बी इज द हस्बैंड ऑफ जी, कॉमा से हस्बैंड वाइफ को डिनोट करते हैं, बी इज द हस्बैंड ऑफ जी, प्लस से मेल को। देन आता है ई इज द ब्रदर ऑफ बी, बी है यहाँ पे, इसका भाई कौन है, ई, ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ये ब्रदर सिस्टर को डिनोट कर रहे हैं एंड प्लस मेल को, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का संबंध बी से क्या है, ए पर्सन की वाइफ और वाइफ की मदर यानी कि मदर इन लॉ हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा मदर इन लॉ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको इसी तरह के और भी कंटेंट्स चाहिए जैसे कि रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस कम है अभी एंड यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो मैं और भी क्वेश्चंस ऐड करूंगी, तो वैसा आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना कि आप लोग को और क्वेश्चंस चाहिए या इतने ही ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट में अवार्ड्स एंड और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आने हैं उन सभी चीज़ों को ऐड करूंगी जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।